बैल हो देसी चाहे गाय हो देसी, दोनों में बराबर यंत्र है। तो इसका सिंह में भी यंत्र है, समूचे देह में रोमे रोम में इसको में खाली गुने गुण है सर। मगर भाई जी एक सवाल है, आज के युवक जो है गौ पालन नहीं करना चाहते हैं, रही बात की देसी गाय की, जो गौ पालक हैं पूरे भारत भर के, उन्हें क्या सलाह देंगे गाय, ये देसी गाय के संरक्षण के लिए क्या सलाह देंगे आप, क्यों करना चाहिए देसी गाय का संरक्षण? इसका दूध गिलास दूध एक और रोग भागा अनेक। इसका दूध अगर सेवन करिएगा तो मैं काबू पाए हुए हैं कि बहुत तरह का रोग कैंसर ऐसा रोग को भगा रहे हैं, असाध से असाध रोग को भगा रहे हैं। कि हमारे पास 10 लाख 20 लाख खर्च करके आया है कि सर दिल्ली से रिटायरमेंट है, पटना से रिटायरमेंट है, बम्बे से रिटायरमेंट है। उसको भी विश्वास नहीं था कहीं बचेगा, मगर देसी गाय का अखबार से मैंने उसको देसी गाय के जड़ी गौछरण दिया और जड़ी दिए तो कैंसर का आज जीवित है। लिख के दिया है कि मैं सैकड़ों से थक गया था, डॉक्टर बोल दिया था कि ले जाओ घर, दर्द में मर जाएगा, मगर आज वो जीवित है। तो कौन कौन सा बीमारी आप जो है गौ, मतलब कि गौ दुग्ध और क्या कहते हैं गौमूत्र के पंचगव से आपने वो बीमारियों जो देखिए अभी का उपाय दूर किया है? कम से कम 10 आदमी को कैंसर का निदान किया है। अभी भुवनेश्वर पासवान नदौल के हैं, उनको डॉक्टर बोल दिया था सिटी स्कैन सब करवा के ले जाओ घर, दर्द में मर जाएगा। कौन सा कैंसर था उनको? ब्लड कैंसर था जी। वो गुड्डू कुमार था, हाँ छत्तीसा के है, बेला थाना में, गया जिला के रहने वाला। तो बिहार से बाहर के भी लोग आते हैं आपके पास? हाँ बिहार से ही आते हैं, ऐसे तो लखनऊ के भी लेके हैं दवाई और रांची से भी दवाई लेके हैं मेरे पास। एक सवाल और, आज के माहौल में बहुत सारे लोग जो हैं कैंसर के शिकार हो रहे हैं, स्वस्थ नहीं है, छोटे छोटे बच्चे जन्म लेते बीमारियों के साथ जन्म लेते हैं, अगर देसी गाय का संरक्षण हो और हर मोहल्ले में कम से कम अगर कोशिश करें कि हर कोई व्यक्ति अपने घर में एक देसी गाय को अगर रखे, तो लगता है कि ये जो डॉक्टरों के द्वारा जो रोगियों को लूटने का जो ये है व्यवसाय, वो बंद हो जाएगा और सभी बच्चे सब परिवार लोग स्वस्थ रहेंगे, गाय का भी देसी गाय का संरक्षण भी हो जाएगा, पर्यावरण भी संरक्षित होगा और साथ साथ लोग स्वस्थ भी रहेंगे। और दवाई पर जो लाखों करोड़ रुपया लूटा जा रहा है, यहाँ तक कि जो एक्सपायरी दवाई होती है उसका भी रिपैकिंग होकर लूटा जा रहा है ग्राहकों को। सही बात है। और जब राजधानी पटना में देखता हूँ कि बहुत सारे रोगी के अभिभावक जो है रोते हैं, सही बात, और अपने रोगियों को जो उनके संबंधी हैं उनको बचा नहीं पाते हैं, लूट जाते हैं, घर उजड़ जाता है, समझे? तो आप ये मतलब कि अगर लोग गौ पालन करें, देसी गाय का संरक्षण करें और देसी गाय का दूध पिए, तो लगता है कि लोग स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो हमारा समाज भी स्वस्थ होगा, पूरा बिहार स्वस्थ रहेगा, और बिहार जब स्वस्थ रहेगा, हमारे युवक और बच्चे स्वस्थ रहेंगे, तो बिहार का नाम दुनिया में रोशन होगा। और आपको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ शिवनारायण जी, वैद्य शिवनारायण जी, कि आपने इस भीषण गर्मी और इस जल संकट के समय में भी आप देसी गाय का संरक्षण कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, चुनौती को आपने स्वीकार किया है, गौ माता की का सेवा कर रहे हैं, और गाय को दूसरी माता कहा गया क्योंकि इसका दूध पी करके बहुत सारे बच्चे जीवित रहते हैं इस धरती पे, तो ये माँ के समान इसकी संरक्षण है। माँ अपनी बच्चा को 3 साल से ज्यादा दूध नहीं पिलाती है, मगर ये जन्म से लेकर मरण तक पिलाती है। मेरी गाय जो है कोई भी मानव को जन्म से लेकर मरण तक पिलाती है, मगर अपनी माँ 3 साल से ज्यादा नहीं पिलाती। हमको गौ माता जो है माँ से भी सबसे श्रेष्ठ मिशी। और रही दर्शकों, हम सभी को यह इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि ऐसे वैद्य नाम बताएं शिवानंद यादव जी जो इस चुनौती को स्वीकार किया है और देसी गाय का संरक्षण कर रहे हैं, हमें भी उन्हें सहयोग करना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो अपना जो यह जनसेवा है वो जारी रखें और गौ संरक्षण जारी रहे और भारत के युवक और बच्चे जो है स्वस्थ रहे, ताकि बिहार और भारत का नाम दुनिया भर में रोशन हो और युवक जो हैं दुनिया भर में अपना जो प्रतिभा है उसका डंका बजाए। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं रंजन कुमार, अमृत जी, अमृत न्यूज़, पटना, बिहार।